हैप्पी चिल्ड्रंस डे ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू सर. वेलकम. विश यू ऑल हैव अ ब्राइट फ्यूचर. हम बच्चों में देखते हैं कि वो फिजिक्स को लेकर के, मैथमेटिक्स को लेकर के थोड़ा सा ज्यादा परेशान रहते हैं कि बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप खुद को फिजिक्स स्टूडेंट या साइंस स्टूडेंट कहते हो तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछने जरूर आना चाहिए, व्हाई. और यह व्हाई सिर्फ आपको अपने टीचर से ही नहीं, आपको अपने आप से भी पूछना है. जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो उस समय आपके दिमाग में यह आना चाहिए, या फिर आप किसी फेनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ देख रहे हो जो घटनाएं आपके आसपास हो रही हैं, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके बजाय कुछ ऐसा होता तो क्या होता. ठीक है ना. और इन सब चीजों को, इन सब वाई का जो आंसर आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा, वही तो आपका फिजिक्स है ना, वही तो आपका साइंस है ना. तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट यू ऑल हैव अ क्वेश्चन इन माइंड, व्हाई इट हैपेंस. जब तक आप क्यों नहीं कहोगे तब तक आपको खुद को साइंस स्टूडेंट कहने का कोई मीनिंग नहीं बच जाता है. फिजिक्स इज मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल द साइंसेस. मींस फिजिक्स जो है, जितने भी साइंस है उनमें सबसे बेसिक है. याद करो, मैंने फिजिक्स के फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर. और नेचर का मतलब क्या होता है? माँ, हम सबको जन्म देने वाली. फिजिक्स जो है हम सीधे नेचर से सीखते हैं. फिजिक्स इतना आसान है कि हर किसी को पता है फिजिक्स है. एक छोटे से बच्चे को भी पता है और एक अनपढ़ को भी पता है कि जो सामान हमने जहां रखा है वहीं से मिलेगा. और क्या इसी फेनोमेना को हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं कहा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? अगर हम आपको आपको क्या छोटे से बच्चे को बोले बाबू अपना सर दीवार में टकराओ तो क्या वो टकराएगा? नहीं ना. लेकिन उसको भी तो पता है, उसको भी तो पता है कि चोट लगेगा. हमने पढ़ा टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये उस छोटे बच्चे को भी पता है. ठीक है, छोटे बच्चे को भी पता है और एक बुजुर्ग को भी पता है, एक अनपढ़ को भी पता है कि अगर हम काई पर पैर रखेंगे, अगर कोई स्लिपी सरफेस है जहां पर तेल गिरा हुआ है या फिर जहां काई लगा हुआ है उस पर पैर रखेंगे तो गिर जाएंगे. ठीक है ना. और इस चीज को हमने पढ़ा, लेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा हमने, फ्रिक्शन कम लगा इस वजह से गिर गया, है ना. अच्छा एक बात बताओ, पत्थर को पानी ने डुबोया या पत्थर पानी में डूबा? पत्थर पानी में क्यों डूबा? पढ़े ना हम लोग बॉयड फोर्स और बॉयंसीज के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़े कि जब अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में तब सिंक कर जाता है जब उसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से या फिर उस फ्लूड के डेंसिटी से जिसमें उसको डाला जाता है उससे ज्यादा हो जाए. पत्थर को उसकी हायर डेंसिटी ने डुबाया, उस पत्थर को उसकी हायर डेंसिटी ने डुबाया, वाटर में कहां दम था, वो बदकिस्मत डूबा क्योंकि वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दैट पत्थर का वेट उस पत्थर के वेट से कम था. बच्चों को आजकल सबसे बड़ी दिक्कत होती है मैथमेटिक्स को लेकर. मैथमेटिक्स सर बहुत टफ है. बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर फिजिक्स तो समझ में आ जाता है, थ्योरी समझ में आ जाता है, लेकिन जो है ना क्या कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल ही नहीं बनता है, न्यूमेरिकल ही नहीं बनता है. सर मैंने बताया ना, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर. नेचर में घटने वाली घटनाओं को हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, उसको फॉर्मुलेट करते हैं. और एक बात और आप याद रखिए, जहां पर फिजिक्स है वहां पर मैथमेटिक्स भी है. ठीक है, पैर स्लिप किया और गिर गया, फ्रिक्शन कितना लगा, कितना चाहिए था, कितना कम लगा, जहां फिजिक्स है वहां मैथमेटिक्स इन्वॉल्व रहेगा. इसलिए मैंने कहा वेयर देयर वी सी देयर इज फिजिक्स एंड वेयर देयर इज फिजिक्स देयर इज मैथमेटिक्स. ठीक है ना. तो मैथमेटिक्स के डर से ना डरे, मैथमेटिक्स इज जस्ट अ माइंड गेम. दिक्कत तो है केमिस्ट्री में, दिक्कत तो केमिस्ट्री में है. टीचर कैसे बताएगा कि देखो ऐसे बॉन्ड बना? यहां पर तो हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं, चीजों को दिखा सकते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है ना. कोई सर्किट बना करके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को भी समझा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को भी समझा सकते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन भी दिखा सकते हैं, डिस्पर्सन और लाइट भी दिखा सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में कैसे, केमिस्ट्री में बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे दिखाएंगे? ठीक है, उसको कैसे एज्यूम कराएंगे? दैट इज हार्ड. केमिस्ट्री हार्ड है और बायोलॉजी के बारे में तो मैं बोल ही नहीं सकता. तो आज आप सबको मेरे तरफ से बाल दिवस की बहुत बहुत बधाइयां. आपका भविष्य उज्जवल हो, आप सब अपने मुकाम को हासिल करें. और इसी के साथ इस क्लास का समापन करते हैं. मिलते हैं फिर कल आपसे कुछ नए टॉपिक के साथ. ओके ओके धन्यवाद. थैंक यू सर. वेलकम.